पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया का एक ऐसा हिस्सा है जिसे लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच आजादी के बाद से ही विवाद चल रहा है। और 5 अगस्त 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया था, तब से ही लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर है डेट आखिर इंडिया ने आज तक पीओके को पाकिस्तान से वापस लिया क्यों नहीं है। सो आज इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। इन द फर्स्ट हाफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट आखिर पीओके है क्या, पीओके की हिस्ट्री क्या है और आज तक इंडिया ने क्यों पीओके को ऑक्यूपाई नहीं किया है। एंड इन द सेकेंड हाफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डेट क्या इंडिया सच में पीओके को ऑक्यूपाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है देन इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं देन फील फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड नाउ वेट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। में इंडिया के पार्टीशन के समय जम्मू कश्मीर वॉज रूल बाई किंग हरी सिंह। उस समय ब्रिटिशर्स ने पैरामाउंसी पॉलिसी के तहत उन्हें 3 ऑप्शंस दिए थे, विच वॉज आइदर जम्मू एंड कश्मीर इंडिया या पाकिस्तान को ज्वाइन करें या फिर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना रहे। बट पार्टीशन के कुछ समय बाद ही पाकिस्तान में रहने वाले पश्तून ट्राइब्स के लोगों ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के सपोर्ट से 21 अक्टूबर 1947 को जम्मू एंड कश्मीर को इन्वेड कर लिया एंड दे ऑक्यूपाइड ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्रोविंस। और इस इन्वेजन के ठीक 3 दिनों के बाद 24 अक्टूबर को राजा हरी सिंह ने तब के समय के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल से पाकिस्तान के अटैक को काउंटर करने के लिए उनसे मिलिट्री असिस्टेंस मांगी। पटेल ने इस पे उनसे कहा डेट वो उनकी मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक वो जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में एक्सेड नहीं कर लेते और उससे इंडिया का एक हिस्सा नहीं मानते। और फिर ठीक इसके बाद 26 अक्टूबर को राजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हुए जम्मू एंड कश्मीर को ऑफिशियली इंडिया में एक्सेड कर दिया। इसके तुरंत बाद इंडिया ने अपने मिलिट्री ट्रूप्स श्रीनगर भेजे एंड द फर्स्ट डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टुक प्लेस। इंडियन मिलिट्री ने उस समय पाकिस्तानी सपोर्टेड फोर्सेस को बैकफुट में ला दिया था। एंड एज द वॉर प्रोग्रेस्ड, जवाहरलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1948 में जम्मू एंड कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन में रेज किया। तब यूनाइटेड नेशन ने एक सीजफायर लाइन एस्टेब्लिश करने का ऑर्डर दिया जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज ने अपने एग्जिस्टिंग पोजिशन को होल्ड कर लिया। एंड बिकॉज ऑफ दिस सीजफायर लाइन पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बना। पीओके बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, गिलगित बल्टिस्तान एंड द सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर। इनफैक्ट 1963 में सीनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने 5000 स्क्वायर किलोमीटर का ट्रांस काराकोरम ट्रैक चाइना को गिफ्ट कर दिया था। अगर पीओके की तरफ इंडिया के स्टैंड की बात की जाए तो 22 फरवरी 1944 में इंडियन पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया गया विच स्टेटेड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट इंडिया आज तक पीओके को क्यों नहीं कैप्चर कर पाया है। वेल, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले पीओके में माउंटेनस टेरेंस होने की वजह से इसे एक्सेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान टेरिटरीज लो एलिवेशन में होने के कारण इसे ईजिली एक्सेस कर पाती है। दूसरा, पीओके में बहुत सारे जिहादिस्ट एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स और प्रो पाकिस्तान सेंटीमेंट्स रखते हैं। इसके अलावा वहाँ के लोग अपने आप को कश्मीर से रिलेट नहीं कर पाते हैं जिसके वजह से आज तक इंडिया उनका सपोर्ट इस्टेब्लिश नहीं कर पाया है। एंड द थर्ड रीज़न इज चाइनाज सीपेक रोड इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के तहत चाइना ने एक रोड इस्टेब्लिश किया है जो पीओके से पास होता है और ये इंडिया के सोबिनिटी पर एक मेजर थ्रेट है। और इसी की वजह से अगर इंडिया पीओके में इंक्लूड करता है तो हमें चाइनीज अग्रेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ वी ऑल नो दिस थिंग डेट ये तीनों कंट्रीज डेट इज इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज है, और अगर फ्यूचर में मिलिट्री वॉर हद से ज़्यादा बढ़ता है तो रिटेलिएशन के लिए इन तीनों में से कोई भी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन को यूज़ कर सकती है जिससे पूरे वर्ल्ड को खतरा हो सकता है। एंड दिस इज द रीजन वाई मिलिट्री फोर्सेस से भी पीओके को कैप्चर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट पीओके को कैप्चर करने के लिए अब इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। वेल, मेरे हिसाब से इसके 2 ऑप्शंस हैं जिसे इंडिया साइमल्टेनियसली यूज कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 370 को हटाने के बाद अब गवर्नमेंट को जम्मू एंड कश्मीर को डेवलप करना चाहिए और इस डेवलपमेंट को देखकर पीओके के लोग भी पाकिस्तान से सिमिलर डेवलपमेंट की डिमांड करेंगे, पर पाकिस्तान इस डिमांड को कभी फुलफिल नहीं कर सकता है क्योंकि डिमांड फुलफिल करने के लिए पैसे होने चाहिए और पाकिस्तान के पास तो पैसे हैं नहीं क्योंकि वो इतनी सारी कंट्रीज चाइना, यूएई और पता नहीं कौन कौन सी कंट्री से पैसे लेके पहले से ही कर्जे में है, तो उनकी डिमांड तो फुलफिल नहीं हो सकती। बट इनकेस चलो मान भी लेते हैं डेट पाकिस्तान उनकी डिमांड को फुलफिल कर लेता है और पीओके को डेवलप कर देता है,
तो इससे उनके खुद के कंट्री में यानी कि बलूचिस्तान में आउटरेज हो सकता है और प्रोटेस्ट हो सकता है। वहां के लोग ये बोल सकते हैं डेट यार तुम यूके को डेवलप कर रहे हो और यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं, डेट बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर वहां के लोग पाकिस्तान के लोग से नफरत करते हैं और वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं। एंड आई नो दिस थिंग डेट पाकिस्तान विल फाइंड इट वेरी हार्ड टू कंटेन सच एन एजिटेशन बिकॉज वो कर भी क्या सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये इशू यूनाइटेड नेशन में रेस किया जाएगा। बट देन इट इज क्लियर डेट यूके इज वेरी मच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और ऐसे हम यूके को वापस ले सकते हैं। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज दैट जो चीज़ पाकिस्तान इंडिया के साथ करता है हम सेम वही चीज़ पाकिस्तान के साथ भी कर सकते हैं। वी ऑल नो दिस थिंग डैट पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म फैलाता है और सेम वही चीज़ हम भी कर सकते हैं। हम बलूचिस्तान के लोगों को पैसे और वेपन्स प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि वो भी पाकिस्तान के खिलाफ रिवॉल्ट कर सकें। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया डैट बलूचिस्तान के लोगों में पाकिस्तान के लिए हेटरेट की भावना है और ऐसा करने से पाकिस्तान पूरी तरह से डिस्टेबलाइज हो जाएगा जिससे हमें पीओके बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। एंड नाउ व्हाट इज नेक्स्ट वीडियोस विच आर राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया इंडिया के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो एज एन इंडियन आपको ज़रूर देखने चाहिए। सो डू वॉच द वीडियो। एंड नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम बी द चेंज।